आपका लिक्विड एक पीस ऑफ आइस है बेटा, इसके अंदर स्टोन फ्रीज है और ये फ्लोट कर रहा है। तो पूछ रहा है ये हाइट जो लिक्विड की है ये कितना चेंज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी या वही रहेगी अगर ये आइस मेल्ट कर जाएगी। तो वही कहानी, पहले आप वॉल्यूम इनसाइड द सरफेस, वॉल्यूम इनसाइड सरफेस इनिशियल निकाल लेंगे, कितना है वाटर जितना है वो तो उतना ही है पानी जो है, प्लस वॉल्यूम इनसाइड, ये आप किससे लिखेंगे, पॉइंट फोर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप इसमें, रो एल इंटू वी आई इंटू जी मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ स्टोन इंटू जी लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम इनसाइड कितना निकल के आ रहा है आपका, एम आई अपॉन रो एल प्लस एम एस अपॉन रो एल निकल के आ रहा है, एल यहाँ पे वाटर ही है बेसिकली, वी आई कितना आ गया आपका, एम आई अपॉन रो डब्ल्यू प्लस एम एस अपॉन रो डब्ल्यू, तो आप इनिशियल इनसाइड वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम इनसाइड सरफेस इनिशियली कितना आ रहा है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एम आई अपॉन रो डब्ल्यू प्लस एम एस अपॉन रो डब्ल्यू आ रहा है। क्लियर है सबको, और फाइनली कितना आ जाएगा सरफेस के नीचे वॉल्यूम, शुरू में तो इतना ही है वॉल्यूम इनसाइड जो आपने फ्लोटिंग से निकाला एक तो, और फ्लोटिंग कंडीशन के अलावा पानी जितना भरा हुआ था वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब फाइनली आपका कितना आएगा, वॉल्यूम इनसाइड सरफेस फाइनली, फाइनली क्या हो गया, एक पानी जितना था उतना ही भरा हुआ है प्लस आपका बर्फ के मेल्ट होने से जो पानी निकल के आएगा कितना होगा, मास ऑफ आइस प्लस, अब वॉल्यूम कितना आया, स्टोन जितना वॉल्यूम लेगा, स्टोन पूरा अपना वॉल्यूम लेगा तो स्टोन का वॉल्यूम कितना आएगा, एम एस अपॉन रो एस। तो ये आपके पास दो टर्म लिखी हुई है, देख लीजिए आप, तो आपको पता है बिकॉज रो एस इज ग्रेटर देन रो वाटर, स्टोन पानी में डूब जाता है उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि इनसाइड सरफेस जो फाइनल वॉल्यूम है आपका, इनसाइड सरफेस फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपका क्या होगा, रो एस के ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है ना, इनसाइड सरफेस फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो बेसिकली हाइट फाइनल इज लेस देन इनिशियल। ठीक है, तो लेवल क्या होगा, लेवल जो होगा इसका लेवल ऑफ डिक्रीजेस, डिक्रीज कर जाएगा वो। ठीक है, यहां तक बेटा कोई दिक्कत किसी को तो बताए मेरे को इस क्वेश्चन में।